हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टॉय टैग पे। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नूडी स्कूटर की। ये डैश कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट की रिव्यू आज हम करने वाले हैं। आज से पहले हमने किसी स्कूटर का अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर नहीं कर पाए थे और आज हम इस स्कूटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले करते हैं हम इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स में हमें ये बॉक्स को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। काफ़ी हैवी मटेरियल में ये प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं सारा प्रोडक्ट को यहाँ निकाल के रख देता हूँ। इसको कर लिया हमने अनबॉक्स। अनबॉक्स के बाद हमें मिला है एक सुंदर सा मैनुअल्स, जिसकी इंस्टॉलेशन की डिटेल इसमें दी गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पार्ट्स जो हैं, इतने सारे पार्ट्स इसमें बनाए गए हैं। फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ किस तरह से इंस्टॉल होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका लेते हैं ये बेस। आप बेस जो देख रहे हैं कितना अच्छी फाइन क्वालिटी में बना हुआ है। यहाँ पर इसमें पीछे का जो पूरा फ्रेम है, पाइप लोहे की अच्छी पाइप में है और इसका वेट काफ़ी है, जो मैं देख पा रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा वेट है। आई थिंक इस पर जो वेट कंपनी की तरफ से बताया गया है, वो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया नहीं गया। आई थिंक इस पर आदमी 65 केजी तक आराम से इसको चला सकता है, क्योंकि हमने अपने शॉप पे काफ़ी बार इसको चलाया है, टेस्ट किया है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही आप ये देखिए, इसके जो क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ इसको राइड करते हैं इसके। और ये जो आगे का इसका जो पार्ट है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ इस तरह से। इसको इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, आपने सिर्फ इसको यहाँ से ऐसे लगाना है। ये देखिए आगे का जो पार्ट है ये फिट हो गया है इसका। इसके बाद हम ये पार्ट जो इसका है, बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर बास्केट फिट आती है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको फिट करते हैं। आप ये देखिए कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है काफ़ी इजी है। यहाँ पे जो पेच दिया गया है, जिसको हम बाद में टाइट कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे करेंगे। आप ये इसका जो मेन पार्ट है, इसको हम प्रेस करेंगे, ये देखिए लॉक को। ये फिट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से ऐसे टाइट। हम इसको फाइनल लॉक कर देंगे। आप इसके यहाँ टाइट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको घुमा लेता हूँ इस तरफ से। अब ये इसका जो फ्रंट लुक है, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसके ऊपर का फिर एक पार्ट रह गया, ये हैंडल, वो भी मैं इसको अटैच कर देता हूँ। हम लगाएंगे इसमें कुछ LED लाइट्स भी लगेंगी, वो बाद में हम बैटरी ऑपरेट करेंगे। आप पहले इसको बटन को प्रेस करेंगे इस तरह से। इसमें आप जो हाइट आप चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं सबसे लोएस्ट वाली हाइट पे जाना चाहूँगा। अभी लोएस्ट पे आई थिंक ये प्रॉपर फिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं सेंटर में यहाँ पे लॉक हो गया, ये देखिए। इसके बाद सेम प्रोसीजर है इसका, ये आप यहाँ पे इसके ऊपर लगा के इसको लॉक से थोड़ा टाइट करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से प्रेस करके आप और टाइट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। आगे का ये व्यू देखिए, बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें रह गया सर दो बैटरी इंस्टॉल करनी, वो भी मैं कर देता हूँ जल्दी से। हम स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलेंगे, बैटरी लग चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं पैक। पैक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। लॉक यहाँ से। अब म्यूजिक इसमें स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एक माइक है, हम इसको करेंगे फ्रंट पे। अब ये यहाँ पे कुछ लाइट्स देख रहे हैं, कितनी प्यारी सी लाइट हैं और म्यूजिक भी अच्छा है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट ये हमारा इंस्टॉलेशन हुआ। फ्रेंड्स, आज जो हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो थी, वो थी एक नूडी स्कूटर की। जैसा कि आप इसको क्लोजअप में देख रहे हैं, ये क्लोजअप में काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट हमें दिखाई दिया है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। मैं यहाँ से इसका म्यूजिक ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो इसमें लाइट्स हैं, LED इस तरह से मूव करते हैं, ये देखिए। और नीचे का जो बेसिकली प्रोडक्ट था वो ये है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस प्रोडक्ट की रिव्यू आप ज़रूर लिखिएगा यदि आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तब भी इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।